रुंगटा हत्याकांड में गवाह को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को 5.5 साल की सजा। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा और विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन कोषाध्यक्ष स्वर्गीय नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। विशेष न्यायाधीश MP MLA सिविल जज सीनियर डिवीजन उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने शुक्रवार को उसे 5.5 साल की सजा सुनाई और साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर 2 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। आपको बता दें 22 जनवरी 1997 को रुंगटा के अपहरण के बाद परिवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद ने इस मामले में भेलुपुर थाने में 1 दिसंबर 1997 को केस दर्ज कराया था। मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उसने नंद किशोर मामले में पुलिस और CBI में पैरवी न करने को लेकर धमकी दी थी। पुलिस ने विवेचना के बाद मुख्तार के खिलाफ उसी समय आरोप पत्र दाखिल कर दिया था और एक लंबी सुनवाई के बाद अब इस मामले में फैसला आया है। मुख्तार के खिलाफ अभी 40 मुकदमों में सुनवाई चल रही है। आपको बता दें बीते 15 महीनों में माफिया मुख्तार अंसारी को 15 माह में 7वीं सजा सुनाई गई है। 7वीं सजा के बाद मुख्तार अंसारी की आगे की राह अब और मुश्किल हो गई है। उसके खिलाफ अभी भी 21 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि माफिया के खिलाफ अभियान के तहत मुख्तार अंसारी को 15 महीने में 7वीं बार सजा हुई है। मुख्तार के खिलाफ UP के अलावा दिल्ली और पंजाब में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर और रासुका के 65 मामले दर्ज हैं। इनमें 21 कोर्ट में विचाराधीन हैं। मुख्तार गिरोह के 292 सदस्यों और सहयोगियों के खिलाफ 160 मामले दर्ज भी करवाए गए हैं। विधान चंद सिंह यादव एडवोकेट, यही वाराणसी जनपद न्यायालय में मैं फौजदारी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मुख्तार अंसारी के विरुद्ध पंजीकृत 506 IPC के का मुकदमा थाना भेलूपुर में पंजीकृत हुआ था और जिसकी आरोप चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी। विचारण माननीय विशिष्ट मजिस्ट्रेट MP MLA उज्ज्वल उपाध्याय जी द्वारा संपन्न किया गया और सभी साक्ष्य को देखते हुए दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात उन्हें दोषसिद्धि का दंड सुनाया था। दोषसिद्धि का निर्णय दिया था और दंड के बिंदु पर दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात उन्होंने 506 Part 2 IPC में 5 वर्ष 6 माह की सजा और 10,000 रुपये आर्थिक दंड और न जमा करने पर अतिरिक्त 2 महीने की सजा के दंड से आज दंडित किया गया। मुख्तार अंसारी ही नहीं, अपराध करने वाला और भी जो भी माफिया की कैटेगरी में आ रहे हैं उनके ऊपर व और भी जो अपराधी अपराध कर रहे हैं उसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि उनको सजा दिलवाया जाए और उसके लिए उन्होंने पुलिस से लेकर के अभियोजन इकाई तक को पूरी तरह से जागरूक कर दिया हुआ है, जिसके परिप्रेक्ष्य में न्यायालय में साक्षियों को भयमुक्त करके प्रस्तुत किया जाता है और भयमुक्त होकर के वो न्यायालय में साक्ष्य दे रहे हैं और साक्ष्य की स्क्रूटनिंग करने के बाद न्यायालय सबको परिष्कृत कर रही है, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे जो भी माफिया हो या अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति हो। UP News 9 के लिए वाराणसी से सुजीत पटेल की रिपोर्ट।